नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस भरत जैन के YouTube चैनल पर। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छे से मुझे मिल रहा है, वो मुझे अपने चैनल पर एज अ सब्सक्राइबर और एज अ व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। आज का जो वीडियो है वो भी बहुत बड़े कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ एक ऐसा गैजेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी डिजिटल वॉल क्लॉक के बारे में, जो कि सिर्फ एक वॉल क्लॉक ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है उस वॉल क्लॉक के अंदर, बहुत सारी खुफिया चीजें उसमें छुपी हुई है। एक चीज और मैं आपके साथ में बात करूंगा कि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स, कई सारे व्यूअर्स ये मुझे पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट कहां से कैसे लेनी चाहिए। अमेजोन के ऊपर जाते हैं, चाहे हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं, कई जगह पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट सेम एज इट इज दिखने वाली पिक होती हैं, सेम एज इट इज दिखने वाली रेट होती हैं, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम परचेस करें। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही गैजेट्स के बारे में बात करूंगा, ऐसी ही चीजें दिखाऊंगा और ऐसे ही लिंक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो अदर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का हो, चाहे मेरा gadget.com का हो, किसी का भी हो, वो सब जो गैजेट्स होंगे वो मेरे थ्रू अप्रूव्ड होंगे। मतलब मैंने उन गैजेट को मंगवाया है, मैंने उनको यूज किया है अच्छे से, दो दिन, चार दिन, पांच दिन यूज करने के बाद में ही मैं उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाता हूं। तो आप बेफिक्र रहिए, ये जो जेन्युइन में लिंक्स आपको दे रहा हूं, आप वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे हमारे आज का ये वीडियो कि कैसे ये वॉल क्लॉक आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। तो जो आपके सामने आप जब ये वॉल क्लॉक मंगवाएंगे, तब आपके सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स के अंदर लिखा होगा यहाँ पर अजंता क्वार्ट्ज, मतलब ये एक अजंता की वॉच है, लेकिन ये जो वॉच है वो स्पेसिफिक कस्टमाइज की गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी शॉप पर या आप अजंता की वॉच मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अजंता की मेन वॉल क्लॉक है, इस तरह का बॉक्स है। चलिए हम ओपन करते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर कुछ आपके पास में इस तरह से ये आएगा रैपर के साथ में, और यहां पर होगा ये कुछ इस तरह का। तो अंदर से आपके सामने कुछ आने वाली है इस तरह की, ये डिजिटल वॉल क्लॉक। सो इसके अंदर और कुछ नहीं होगा, ये केबल है और एक ये सीधी सी डायरेक्टली वॉच है। ओके, सो अब हम इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, किस तरह के फीचर्स हैं इस डिजिटल वॉल क्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले एकदम प्लग इन प्ले है, आपने ये वॉल क्लॉक जैसे ही आपके पास में आई तो आपको इसे पावर से ऑन कर देना है। तो मैं इसे यहाँ से अभी पावर से ऑन कर देता हूँ। होने के बाद में ये वॉल क्लॉक कुछ आपके लिए हो जाएगी इस तरह से। तो यहां पर अब हमारे सामने है ये डिजिटल वॉल क्लॉक रेडी। तो अभी यहां पर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डेट एंड टाइम होंगे, डेट, मंथ, ईयर। ये जो वॉल क्लॉक है इसके अंदर जो फीचर है वो एक ही नॉर्मली हमें वॉल क्लॉक की तरह दिखती है, कंप्लीटली वैसे ही यूज होती है, लेकिन सेकेंडरी इस वॉल क्लॉक के अंदर आप ये जो अजंता देख रहे हैं, अजंता में जो ए है, मतलब कौन सा थर्ड नंबर वाला जो ए है, उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, पिन होल टाइप का वो कैमरा है। यहाँ पर आप हल्का सा अगर देख पा रहे हो तो आप देख पाएंगे, और इसके अंदर एक माइक भी लगा हुआ है, और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, मतलब हम ऑल ओवर वर्ल्ड इस कैमरे को कहीं से भी लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये इस वॉल क्लॉक का सबसे बड़ा मेन फीचर है। अब इसको कैसे सेट करना है, तो हम पलटते हैं इसके पीछे, जो कि पूरा मैकेनिज्म इस वॉल क्लॉक के पीछे की साइड में है। अब यहां पर मैं इस वॉल क्लॉक को पलटता हूं, तो सबसे पहले आपको यहां पर करना है कुछ इस तरह से। यहां पर इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको डबल ए साइज की जो बैटरी आती है वो बैटरी आपको इंस्टॉल कर देनी है, ताकि इसका जो अंदर का जो डेट एंड टाइम है वो आपका चलता रहे। क्योंकि ये जो एक चीज और यहां पर मैं क्लियर करूं कि इस वॉल क्लॉक के अंदर आप
सेल से चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, सेल ओनली फॉर द डेट एंड टाइम को अपडेट करने के लिए है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आउट का स्विच है, यहाँ पर एक सेट है, अप है और रीसेट है। रीसेट करने के लिए मतलब आप सबसे पहले तो रीसेट ही दबाएंगे, वैसे आपके पास में जब वॉल क्लॉक आएगी तो रीसेट पोजिशन में ही होगी, फिर भी आप इसको एक बार रीसेट का बटन दबा देंगे तो वॉल क्लॉक जो होगी एक बार रीसेट हो जाएगी। ये जो मेनू है वो क्लॉक से रिलेटेड है कंप्लीटली, और यहाँ पर एक ये देख पा रहे होंगे आप, तो ये इसके अंदर जो एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है उस चीज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहले हम वॉल क्लॉक कैसे सेट करना है उसके ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले इस वॉल क्लॉक को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो सेट की जो स्विच है उसको एक बार दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास में ईयर का ऑप्शन ब्लिंक करने लगेगा, जिस तरह से अभी कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास में अप एंड डाउन की जो बटन है वहां से आप इसका डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका वॉल क्लॉक सेट करने के लिए। अब हम जिस चीज के लिए, जिस पर्पस से हमने ये वॉच परचेज की है, हम उसकी बात करते हैं। तो हम वापस बैक एंड पे जाते हैं, तो यहां पर ये जो है ऑन और ऑफ का स्विच है, और यहां पर एक छोटा सा जो स्विच दिया हुआ है वो स्विच ओनली फॉर रीसेट करने के लिए है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर ये ऑन के मोड में है, तो अब ऑन है मतलब इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो ऑन है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपका एंड्रॉइड मोबाइल या फिर एप्पल का जो iOS आप यूज कर रहे हैं वो फोन ओपन करना है, उसके अंदर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको जो एप्लीकेशन सर्च करनी है उसका नाम है IP Live Cam। इसको आप सर्च करेंगे, आप इसको जैसे यहाँ पर दी हुई है जो फर्स्ट वाली है सी फैंस के नाम से जो है 2.9 स्टार की रेटिंग है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अभी फिलहाल मेरे फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार इस एप्लीकेशन को ऑन करने देने के बाद में आपको जाना होगा आपकी वाईफाई की सेटिंग में। आप जैसे ही वाईफाई की सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास में एक वाईफाई कनेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा CM4A1T से समथिंग एक नाम होगा। आपको इसको सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है इसको वाईफाई को। ये जो वाईफाई है वो इस वॉल क्लॉक का वाईफाई है जिसके साथ में मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनेट में नॉट बी अवेलेबल समथिंग ऐसा कुछ आएगा तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है और कुछ भी नहीं करना है। आप फिर सीधे इसमें चले जाओ आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर। आप जैसे ही ये चीज़ करोगे और इसके बाद में आपको एक बार सर्च कर लेना है, यानी इसको स्वैप अप कर लो। सर्च जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली ये जो वॉल क्लॉक होगी वो आपके इसके अंदर शो हो जाएगी, और यहाँ पर ऑनलाइन कैमरा IPC 1234 रेट ये लिखा हुआ आ जाएगा और ऑनलाइन कैमरा भी यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से कैमरा आपको दिखाई देने लगेगा। अब ये जो कैमरा हमें दिखाई दे रहा है वो कैमरा कौन सा है, अब ये जो कैमरा है वो यहाँ पर है, ये जो हिडन छोटा सा कैमरा अजंता जो लिखा हुआ है, अजंता का जो ए है, ए के बीच में जो आप एक हल्का सा डॉट देखेंगे करीब से तो वहां पर दिया हुआ है यहाँ पर एक कैमरा, और वो कैमरा हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन की बात करते हैं हम, तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप ये जो 640p लिखा हुआ है यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इस कैमरे को चार ओरिएंट में आप देख सकते हैं, मतलब इसका जो रिजोल्यूशन है सबसे लोअर 480p दिया हुआ है, इसके ऊपर 640p है, इसके ऊपर 720p है और इसके ऊपर 1080p, यानी कि काफी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर कैमरा दिया हुआ है जो कि आप इजीली इसको कहीं पर भी वॉल से पूरे रूम को अच्छी क्लैरिटी के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे के फीचर के बारे में। ये तो हो गया आपका कैमरे का कनेक्शन हमने ऑन कर दिया, अब ये हम लोकली इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने मेनू की, तो
आप जब बैक एंड पे आएंगे तो यहाँ पर सेटिंग का सिंबल है और इस सेटिंग के सिंबल के अंदर आपके पास में यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, मॉडिफाई कैमरा, डिलीट कैमरा, रिकनेक्ट एंड एडवांस कॉन्फिग। तो आपको जाना है एडवांस कॉन्फिग के अंदर। एडवांस कॉन्फिग के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, अगर आप उनका यूज करना चाहते हो तो आराम से अच्छे से सोच समझ के कर सकते हो, जिसके अंदर आपके जो काम के हैं वो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। अलार्म कॉन्फिग जो है वो 99% आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस फीचर्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जब भी इस कैमरे के सामने कोई मूवमेंट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसकी ये मोशन डिटेक्शन सेंसिटिविटी को आप जैसे ही करोगे नॉर्मलाइज 1, 2, 3 ये इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है, लोएस्ट रखना है, हाईएस्ट रखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे करना चाहते हैं। ईमेल अलर्ट चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, एफटीपी अपलोड्स है, पुश नोटिफिकेशन है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है, आप जो भी करना चाहते हो वहाँ यहाँ से कर पाओगे। वाईफाई कन्फिग आपके काफ़ी काम का है। वाईफाई कन्फिग यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप ये जो कैमरा है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी आप देखना चाहे तो आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपके घर या ऑफिस जहां पर भी आप इस वॉल क्लॉक को लगा रहे हैं वहां पर वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए। अगर वो वाईफाई नेटवर्क है तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे और SSID पे जैसे यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके घर का अभी फिलहाल यहां पर कोई वाईफाई नहीं है, तो यहां पर कोई भी वाईफाई नेटवर्क होगा जो मेरा अपना होगा वो यहां पर आ जाएगा और उसका पासवर्ड मुझे यहां पर डाल देना है और मैं जैसे इसको स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई करूंगा तो वो मेरे राउटर के साथ में ये वॉच पेयर हो जाएगी और इसके बाद में मैं कहीं से भी, मतलब नॉट ओनली इन माय ऑफिस और होम, मैं कहीं से भी इस कैमरे को लाइव एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये इसका ऑप्शन है, हम इसमें बैक करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग कॉन्फिग की। तो एसडी कार्ड जो रिकॉर्डिंग कॉन्फिग है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब ये जो एसडी कार्ड है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कौन सा रखना है, आपको ऑल डे ऑन रखना है, ऑल अराम रखना है, टाइमिंग आपको पर्टिकुलर सेट करना है या फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, तो ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। रिजोल्यूशन के अंदर आप कौन से टाइप में आप कैमरे को रिकॉर्ड करना चाहते हो, हाई रिजोल्यूशन मतलब 2 मेगापिक्सल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो 1080 पे, या फिर नॉर्मल मतलब 720p पे, या फिर इससे लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 32GB का इनबिल्ट मेमोरी दिया हुआ है। तो आप 32GB मतलब आप समझे कि 3 से 4 दिन की रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। अगर आप लोअर पे रखते हैं तो आपको करीबन 7 दिन की रिकॉर्डिंग यहां पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप फाइल लेंथ बना सकते हैं, 1 मिनट की रखनी है, 2 मिनट की रखनी है या 3 मिनट की रखनी है, मतलब जब भी ये रिकॉर्डिंग होती है वो अलग अलग स्लॉट में, जैसे 2-2 मिनट की अलग अलग फाइल ये बनाता रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से फाइल की जो लेंथ है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड साउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस कैमरे के अंदर एक माइक भी है कि आप आवाज़ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी। फिर है लूप रिकॉर्डिंग, मतलब कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग, अगर इसको भी आप ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन कर देंगे और फिर यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाएगी। और इसके नीचे फॉर्मेट है, अगर आप इसके अंदर जो कार्ड है उसको अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कार्ड की कैपेसिटी यहाँ पर ऊपर दी हुई है कि 30,000 MB का, मतलब करीबन 30 MB का इसके अंदर स्टोरेज हम बना सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग सेटिंग के अंदर। फिर टाइम सेटिंग है, तो आप यहाँ पर इसका जो टाइम है वो आप सेट कर सकते हैं, इसको आप सिंक्रोनाइजेशन अपनी एप्लीकेशन के थ्रू भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, कैमरा टाइम सिंक विद ऐप, तो आपके मोबाइल का जो टाइमिंग होगा वही रिकॉर्डिंग का टाइमिंग हो जाएगा, इससे क्लॉक की टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। फिर ईमेल सेटिंग है, FTP है, वो हमारे कोई काम के नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप कैमरा रिबूट करना चाहते हैं तो आप एक बार उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था इस पूरी एप्लीकेशंस के अंदर, तो ये है पूरा का पूरा। इसके अंदर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि इसके अंदर आपको कैसे क्या करना है। अगर हम बाहरी अगर इसके मेनू की बात करें तो यहाँ से आप इसका माइक ऑन कर सकते हैं, आप जो आवाज आ रही है उस आवाज को सुन पाएंगे, जैसे कि आपको अभी हल्की सी बैकग्राउंड के अंदर एक आवाज आ रही होगी तो उसको आप सुन सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ ओरिएंटेशन दिए हुए हैं, आप लोकल में कोई रिकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लोकल में रिकॉर्डिंग मतलब आपके फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग सेट सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये है इस एप्लीकेशन के अंदर।
So, कैसा लगा हमारा आज का ये गैजेट? ये जो वॉल क्लॉक आपने देखी है, जो भी डिजिटल के साथ साथ में और भी बहुत सारी इसमें जो खूबियां हैं वो आपने देखी हैं, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे कोई रिव्यू अनबॉक्सिंग से रिलेटेड हो, कैसे लग रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप किस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। सो अब वक्त आ गया है जाने का। सो हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर नए गैजेट्स को लेकर। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को प्यार देने के लिए। जय हिंद।